भावनाओं में बहकर बलहार रहो होलकर कर बैठेंगे बड़ी गलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव के कारण जो मल्हार राव के दिल में एक कह सकते हैं उदासीनता आ गई है, एक दर्द सा बैठ गया है, वो बहुत उनको तंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो सही चीजें सोच भी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ सीन्स में देखा है। और उसमें से एक बड़ा सीन था जिसमें गुनू जी आके मल्हार राव होलकर से बात करते हैं और फिर बातों बातों में वो सब बातें कह देते हैं जिससे मल्हार राव के दुख में और ज्यादा इजाफा होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए साथ में दोस्तों, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मल्हार राव होलकर के पास गुनू जी जब जाते हैं तो कहते तो है कि मैं बात करने आया हूँ राजपुताना मुहिम के लिए, क्योंकि अब उसके ऊपर वो अपनी परमानेंट मोहर लगवाना चाहते हैं कि मेरा नाम अनाउंस हो जाए और मैं ही जाऊं राजपुताना मुहिम पे, इसलिए मैं एक एक चीज की खबर जो है मल्हार राव होलकर को दूं ताकि उनके ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन जाए। अब जब ये बात चल रही है, मल्हार राव होलकर उनकी बात सुन रहे हैं और वो उसमें उनको सवाल पूछते हैं कि किस तरह से तैयारी है, कितनी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे वो तैयारी की बात करनी शुरू करते हैं, मगर बीच में वो तारापुर किले वाली मुहिम की बात शुरू कर देते हैं, खंडेराव की बात शुरू कर देते हैं और इतना बोलते हैं कि मल्हार राव के दिमाग कहीं और ही पहुंच जाता है। जो वो गुनू जी से बात कर रहे थे कि क्या तैयारी चल रही है, उसकी जगह वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि खंडेराव की वजह से उनको कितनी समस्या हो रही है और ये गुनू जी कितने अच्छे से सब तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज जब गुनू जी उनके सामने बार बार कर रहे हैं, उसका एक ही जो असर हो रहा है मल्हार राव होलकर के ऊपर कि वो बार बार ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि मैंने उत्तराधिकारी को जो खंडेराव को बनाया है उसमें कोई गलती तो नहीं कर दी। अब ये जो रेपिटेडली जो चीजें हो रही हैं उनके साथ बार बार, जैसे गौतमा के साथ जो हो रहा है वो अलग, इनके साथ जो हो रहा है वो अलग, इन सब चीजों का असर कहाँ पे होगा, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये भावुक है, इमोशनल लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं और इनके ऊपर इन बातों का असर हो जाता है। वो असर ऐसा होगा कि वो खंडेराव को कहीं उत्तराधिकारी के पद से निकासित तो नहीं कर देंगे, निकाल तो नहीं देंगे और गुनू जी को वो चांस तो नहीं दे देंगे, ये मल्हार राव की सोच कह रही है। मगर मुझे पक्का यकीन है कि ऐसा अहिल्या होने नहीं देगी, क्योंकि अहिल्या को सब चीजें समझ में आ रही हैं कहीं ना कहीं, मगर उसके अपने ही लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो जो भी भावनाओं में निर्णय लेंगे मल्हार राव होलकर, जो कि आगे आने वाला है टाइम कि वो इस तरह से, जैसे खंडेराव भी रुक नहीं रहे हैं अपनी बातों को कहने के लिए और मल्हार राव होलकर पहले से ही उनसे बहुत ज्यादा परेशान है, ऊपर से गुनू जी भी सोने पे सुहागा करने पे लगे हुए हैं, आग में घी डालने पे लगे हुए हैं, ये सब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसके चलते वो कोई ना कोई गलत फैसले की तरफ जरूर बढ़ेंगे, ये होने वाला है दोस्तों, मगर अहिल्या इसको रोक लेगी, ये मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है। आप क्या कहते हो कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.